भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह, ये जो शो है ना इफ्तार ड्राइव, मैंने कहा चलो यार अपने दोस्तों को लेके जरा ड्राइव पे चलते हैं, गपशप करते हुए जाएंगे और जहां हमने पहुंच के इफ्तार करना है वहां इफ्तार भी करेंगे। हम जो रोजा रख रहे हैं ना वो अपनी चाय के लिए, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है इबादत की, हर चीज दुनिया की सजदे में है अल्लाह की। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, रमज़ान 2021। और हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज हनीफ राजा के लिए शो है इफ्तार ड्राइव। इसमें हम असर से लेके मगरिब तक अपने एक मेहमान के साथ होते हैं और उसके साथ फिर इफ्तार करते हैं, दीन और दुनिया की बातें भी करते रहते हैं बीच में, और इफ्तार के बाद हमारा ये शो खत्म हो जाता है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस सिंगर हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे, आप सब पहचानते हैं, जनाब हसन जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम हसन जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत रमजान मुबारक हो आपको हनीफ राजा साहब। बहुत बहुत आपको भी बहुत मुबारक। अब ये जो शो है ना इफ्तार ड्राइव, मैंने कहा चलो यार अपने दोस्तों को लेके जरा ड्राइव पे चलते हैं, गपशप करते हुए जाएंगे और जहां हमने पहुंच के इफ्तार करना है वहां इफ्तार भी करेंगे। जो मेरे खवातीन हजरात इस वक्त देखने वाले हैं वो हसन जहांगीर साहब को इतना पहचानते हैं कि इनका नाम एक तारुफ बन गया खवातीन हजरात, हसन साहब का, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पड़ोसी मुल्क की कौन सी फिल्म ऐसी नहीं है, कौन सा प्ले ऐसा नहीं है जिसमें हसन जहांगीर साहब के गाने को कहीं ना कहीं इस्तेमाल ना किया गया हो। और इसी महीने अप्रैल में 17 अप्रैल 2021 को अर्जुन कपूर की फिल्म इंडिया से रिलीज हुई जिसका नाम है दिल है दीवाना, उसमें हसन जहांगीर का गाना आ जाना दिल है दीवाना को दोबारा से रीमेक किया गया। रमजान का महीना है और क्योंकि इस वक्त हम असर से लेके मगरिब तक यानी इफ्तार तक कुछ हसन जहांगीर साहब से बातचीत करेंगे जी। हसन भाई ये बताइए कि रमजान में क्या एक्टिविटीज होती है, सबसे पहले तो ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है कि रोजा रखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा गुड। अच्छा बचपन में तो एक डिफरेंट क्रेज होता था कि फर्स्ट रोजा रखा जाएगा, पहले रोजे की एहतमाम, लेकिन अब जब जो बड़े हो गए तो अब एक रोजा रखने का एक अपना एक मजा है, वो दिल चाहता है कि रमजान आए और हम पूरे रोजे रखें, तो उसमें जो सहरी इफ्तार नमाज पंक्चुअलिटी जो है, अलग नमाज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा पढ़ता हूँ, लेकिन रमजान की जो इबादत का एक लुत्फ अलग है, बिल्कुल अलग है, है ना। क्या आपने खूबसूरत बात की है जी। अब आप ही के जवाब में से दो सवाल मैं करूँगा जी। पहला सवाल तो ये कि रमजान में जो आपने सबसे पहले जी अपने बचपन का रमजान जो देखा, हाँ। जिसमें देखा तो बहुत सारा होगा लेकिन रोजा कुशाई जो होती है ना वो ड्रीम होता है वो, क्योंकि अपने घर के बड़ों को रोजा रखते हुए देखता है, फिर उनकी पजीराई भी देखता है, उसको अच्छा भी लगता है, रूहानी चीज भी है, अल्लाह की तरफ से एक रहमत बरकत है रमजान में और रोजों में, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर जब बच्चा रोजा रखता है और उसके बाद जो इफ्तार के वक्त उसको एप्रिसिएशन मिलती है जी हां, तो वो बड़ा मोटिवेट होता है। बिल्कुल। अपनी रोजा कुशाई के बारे में, अपने पहले रोजे के बारे में बताइए। फर्स्ट रोजे में मुझे अच्छी तरह से याद है, बड़ा एहतमाम किया गया और सुबह फजर में सहरी वगैरह सब करने के बाद और जू जू 12 के बाद कि प्यास लग रही है, 12 बजे के बाद, हाँ 12 बज गए जब उसके बाद प्यास लग रही है और कितने इफ्तार होगा क्या होगा, फिर तसल्ली दे देते घर वाले अम्मी के ये है ठीक है बेहतरीन होगा, फिर एक घंटे बाद फिर कितना टाइम रह गया, अरे बाप रे बाप, थोड़ी देर में प्यास लग रही है क्या करूं, अच्छा फिर आप 50 दफा थूक रहे अच्छा एक वो वाह क्या अच्छी बात की है, ये बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है बचपन की, कि बचपन में ये होता था कि यार ये जो हमारा थूक जमा हो रहा है ये अंदर आकर गले में चला जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। और एक लम्हा ऐसा आ गया कि 4:30-5 के बाद
बिस्तर पे लेट रहे हैं तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी घर वाले फला तसल्ली दे रहा है। अच्छा नींद भी नहीं आ रही। हाँ तो मैं तो ड्रामेबाजी है ना कि ये कर रहे हैं, कोई बच्चे को अरे ऐसा बनेगा, और घर में एहतमाम शुरू हो गया, पकोड़े शकोड़े ये वो, और 3 बजे से सबको कहना शुरू कर दिया भाई अफ्तार का टाइम शुरू हो रहा है, तैयारियां शुरू कर रहे हैं आप लोग यार, बिल्कुल माहौल बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो एक लुफ्त और जू जू शाम होता जा रहा है, और ये उसके बाद शाम तो जलेबी भी आ रही है, गले में हार फूलों के डाले जा रहे हैं, और बड़ा एक जो वो लुफ्त है ना उसका नशा उसका मजा अभी तक मेरे दिलो दिमाग पे है। बिल्कुल। और काश वक्त वापस आ जाए, हम फिर छोटे हो जाएं। आपने एक कवाली रीमेक किया मकबूल फरीद साबरी साहब और गुलाम फरीद साबरी साहब की थी, भरदो झोली मेरी या मोहम्मद। हाँ। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, उसको बहुत लोगों ने गाया। हाँ। लेकिन मैंने उस वक्त जब आपके वीडियोस बहुत चल रहे थे टेलीविजन पे, भरदो झोली मेरी या मोहम्मद जो आपने गाया जी। उसके बारे में तो वो रीमेक आपने शुरू किया था, वो तो बाद में फिर दूसरे सिंगर्स ने भी कवालियों को गाना शुरू किया, बड़े बड़े पॉप स्टार्स ने, तो वो आपके जहन में ख्याल कैसे आया ये मुझे बताइएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा सुना दीजिए। भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली अल्लाह, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह। आप पॉप सिंगर जी, हवा हवा है हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ वो गाना और इस तरह के दूसरे गाने, और कहाँ अचानक आप एक रिलीजियस उसमें चले गए जोन में। हाँ। तो ये कैसे ख्याल आया? बस मैंने फील किया कि एक डिफरेंट चीज होनी चाहिए, फिर मैंने सोचा गुलाम फरीद साबरी को ट्रिब्यूट देना चाहिए, इतना बड़ा नाम और कव्वाली की दुनिया के किंग उन्होंने, मैं समझता हूँ कव्वाली को सही इंट्रोड्यूस उन्होंने ही कराया है, और बिल्कुल गुलाम फरीद साबरी बिरादरान की जो कव्वालियों का अंदाज, एक टाइम ऐसा होता था नहीं भाई कि जब रमजान की आमद होती थी ना, मेरी गाड़ियों में सीडी प्लेयर और गाड़ियों में रमजान में सिर्फ इनकी कव्वाली की सीडी, और मैं चलाता रहता था और मैं सुनता रहता था, मैं इतना उसको एंजॉय करता था कि मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं निकल जाता था बस मस्त रहता था, मस्ती थी, और कभी इधर जा रहा हूँ ठट्टा तो कभी मकली फला, और ये बस मेरी अब्दुल्ला शाह गाजी में मैं इसी में रहता था पूरे रमजान, कव्वाली सुनता रहता था। तो फिर दिल में ख्वाहिश जागी, जाहिर है मेरा कव्वाली शोभा नहीं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा कव्वाली को रिकॉर्ड करूं, और मैंने कोशिश करके अपने तौर पे ये कव्वाली का काम किया। जो रमजान का महीना है, रमजान तो सिखाता ही सबर है, पेशेंस है, लेकिन लोग इतने बेसब्रे क्यों हो जाते हैं? हॉर्न दो तो गुस्से से देखने लगते हैं, खुद जोर जोर से हॉर्न दे रहे होते हैं। एक बाइक वाला मेरे सामने चल रहा था, रोड बन रही थी, मैंने कहा इसके लग ना जाए, मैंने उसको हॉर्न दिया तो साइड में एक रक्षे वाला था वो रुक गया, क्यों हॉर्न दे रहे हो? मैंने कहा भाई आपको तो नहीं दे रहा। नहीं नहीं, फिर मैंने कहा क्या नाम है? कह रहा है गुलाम मोहम्मद। मैंने कहा हॉर्न ये कह रहा है गुलाम मोहम्मद, एक तरफ बढ़ जाओ। मैंने कहा मैं तो इस बाइक वाले को बोल रहा हूँ। कह रहा है सर वो माफ करना है, अभी पता है रोजा बहुत लग रहा है। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात की नहीं। हाँ। भाई मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ लोग रोजा रख के ये नहीं सब, हम जो रोजा रख रहे हैं ना वो अपनी खुशनुदी की अपनी अच्छाई के लिए, हम अल्लाह पे एहसान नहीं करें, नौज बिल्ला, अल्लाह ताला को हमारी जरूरत नहीं है कि इबादत की, उनके तो आसमान जमीन फरिश्ते हर चीज दुनिया की सजदे में है अल्लाह के, अल्लाह का शुक्र गुजार है, ये हम जो काम करें हम अपने आप को सुधार रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुछ रहमत हम पे नाजिल हो जाए, तो हम क्यों मतलब अब हम रोजा रखे तो हमें और प्यार दिखाना चाहिए, बजाय इसके कि हम लड़े और कुछ इस तरह का एक एटीट्यूड दें जैसे हम रोजा रख के एहसान करें, है ना? बिल्कुल। तो हमें रोजे में सॉफ्टनेस होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लोगों से अच्छे बिहेवियर से मिले, अगर कोई चीज 10 रुपए की बेचनी है तो उसको कोशिश करें 8-9 रुपए में बेचे। ये आपने बहुत ही उम्दा किस्म की बात की है, और ये देखिए जितने फेस्टिवल आते हैं दुनिया भर में उनके जो किसी भी मजहब के
फेस्टिवल होते हैं किसी भी मजहब के, जी हाँ, वो प्राइस कम कर देते हैं, 50% से भी नीचे कर देते हैं। अच्छा, वो आपके रमजान के लिए भी कर देते हैं? हाँ, वो कर रहे होते हैं। हाँ, हम ही लूट रहे होते हैं। हम अपने लोगों को, आप देखें अभी खजूर नापैद हो जाएगी। अच्छा, छोड़ दीजिए इन चीजों को, यार टमाटर का क्या रिलेशन है रमजान से? टमाटर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके घर में खाना बनना है, सालन बनना है, वो टमाटर उसके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। मैं अल्लाह से हर वक्त रोज़े में नमाज में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम लोगों को ये अकल शऊर अल्लाह ताला कर दे कि रमजान में भाईचारगी, प्यार, बिल्कुल ऐसा ही है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड बच्चों के, बड़ों के, घर में भी लोग, बाज लोग जो चीजें रमजान सिखाता है, हाँ, हनीफ तस्किया है, नफ्स सिखाता है, बिल्कुल। बाज लोग हनीफ भाई घर में जाके गुस्सा निकालते हैं, अपनी फैमिली पे रोजे में। आपकी गाड़ी में कुछ छोटा सा प्रॉब्लम था जी, आप कह रहे थे यार ये सही कराना है, तो मैंने हसन भाई से कहा रमजान से पहले करा लें, रमजान में तो वो उस्ताद जो होगा ना मिस्त्री, रोजा रख के वो जो है अपने जो छोटे होते हैं ना उसके बेचारे काम करने वाले, तो उनको पानी खींच खींच के मार रहा होता है। जो अभी आप कह रहे हैं ना कि आप अपना गुस्सा भाई आप नहीं रख सकते, तो अब ये आप अल्लाह से दुआ करें कि आप अल्लाह आपको रखने के काबिल कर दे, आमीन, ठीक है ना। या आप अगर रख रहे हैं तो फिर जो उसके लवाजमात हैं और जो उसका तकाजा है रमजान का, हाँ, उस पर आप पूरे उतरिए, बिल्कुल। हसन जहांगीर साहब, कोक स्टूडियो में जो आपने हवा हवा को रीमेक किया, जी हाँ, अच्छा उसमें आपने रक्स वगैरह बड़ा बेहतरीन किया भाई, क्या बात है, आप कुछ ज्यादा इंजॉय करने लगे अपने गाने को? बेसिकली हनीफ भाई, मुझे जब कोक स्टूडियो के लोग पूरी डील हुई तो मैंने बड़ा सोचना शुरू किया, तो उन्होंने, मैंने कहा भाई म्यूजिक अरेंजमेंट जो भी आप करते हैं अपने हिसाब से कीजिए, स्केल वगैरह दीजिए, उन्होंने बना के दे दिया कि ये स्केल है, ये है, ठीक है। फिर अब जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है, लाइव परफॉर्मेंस, उसमें एडिट वगैरह कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है भाई करें, दो टेक या तीन टेक ले लेते हैं वो, ठीक है, ठीक है। मैंने परफॉर्मेंस शुरू की तो फिर मैंने कहा कि यार इसमें हसन जहांगीर क्या दिखाए, ठीक है, क्योंकि हमेशा वहाँ पे कोक स्टूडियो में नाम लिखा था रॉक स्टार, रॉक सिंगर, लेकिन वो हिलते एक कदम नहीं हिलता, गिटार लेके, जैकेट चांदी सोने के पहन के और यूं बजा बजा के गा रहे, बॉडी मूवमेंट जीरो है। अच्छा, इसलिए आपने परफॉर्मेंस को जरा तो मैंने ज्यादा फोकस किया, बिल्कुल। तो अब जाहिर है फिर मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने अपने अंदाज से उस गाने को परफॉर्म किया। तो हमारे बहुत आर्टिस्ट कोक स्टूडियो में आए हैं, हिट नहीं हुए, दो चीज चलती है अनीप भाई, हिट या फ्लॉप, सही आते सही। बहुत है कोक में, आ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आके तो बहुत बड़े बड़े नाम के लोग आए हैं, लेकिन उनके अगर आप देखें 10 साल 8 साल हो गया है, वन एम पे भी नहीं है, तो हमारे 2 साल में 234+ MP चल रहा है। अच्छा, जिन लोगों को नहीं अगर पता, हाँ, वैसे तो आजकल सबको पता है, हाँ, 24 M का मतलब है 24 million, हाँ, तो प्लस, तो प्लस। और अब जो फ्यूचर इंडस्ट्री है वो सोशल मीडिया ही है, बिल्कुल, और उसका इतना बड़ा स्कोप है सोशल मीडिया का। जब मेरी टीम ने YouTube चैनल और Facebook पेज हनीफ राजा इस नाम से शुरू किया, दुनिया में जहाँ चैनल नहीं जाता वहाँ YouTube, सोशल मीडिया, ये सब चीजें जाती है, Facebook पेज वगैरह, बिल्कुल। आपने महसूस किया कि इफ्तार पार्टियाँ भी खत्म होती जा रही हैं? हाँ, अब एंटीक हो गई चीज़, हाँ, बहुत सारी चीजें नापैद हो गई, नायाब हो गई हैं, हाँ, नायाब हो गई। अब ये जो शो है ना इफ्तार ड्राइव, मैंने कहा चलो यार अपने दोस्तों को लेके जरा ड्राइव पे चलते हैं, गपशप करते हुए जाएंगे, और जहाँ हमने पहुँच के इफ्तार करना है वहाँ इफ्तार भी करेंगे। इफ्तार पार्टी तो एक बहुत अच्छी चीज होती थी ना, इफ्तार पार्टी खत्म हो गई, सब चीजें। और एक तो ये हमारे पैंडेमिक COVID-19 ने तो दुनिया ही खत्म कर दी है, नहीं तो कोविड की वजह से तो आपको पता है, कोरोना की वजह से क्या हालत हुई है, हाँ, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह इम्यूनिटी पावर ऐसी है, हाँ, क्योंकि नालों का पानी पीते रहे, लक्कड़ हजम, ठीक है, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, डीजल के तड़के वाले खाने खाते रहे बाजार के, तो इस वजह से वो कोरोना खुद परेशान हो गया कि मैं किन लोगों में फंस गया हूँ आके। कोरोना, मैंने सुना है कोरोना को 2 दफा कोरोना हुआ है, भाग कोरोना भाग, यही हुआ। तो ये सब चीजें हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था, इफ्तार पार्टीज होती थी, इन सब चीजें होती थी, अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, सब चीजें वापस हो जाएंगी सब। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है आपकी गाड़ी का भी राइड ले रहा हूँ, हाँ, माशाल्लाह, इफ्तार का रोजे का भी मजा आ रहा है, माशाल्लाह, रोजे में एक फीलिंग अच्छी लग रही है, और ये देखे ना टाइम का पता ही नहीं चला, हम असर में निकले, अब मगरिब होने वाली है, रोजे का टाइम माशाल्लाह से करीब से करीब तर है, लोग तैयार, बिल्कुल जी बिल्कुल, इफ्तारी की तैयारियां हैं। और देखिए अच्छा लगता है अपना रमजान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से
उसको एंजॉय भी करना चाहिए और उसको बहुत खुशी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सेलिब्रेशन भी है और उसके साथ साथ अल्लाह की तरफ से ये एक नेमत भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हसन भैया आइए, अफ्तारी दूसरों को भी कराएं और खुद भी करें। आइए, इफ्तार ड्राइव का यही तो मजा है हसन साहब। हाँ जी बिल्कुल। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد